Hello everyone, my name is Adil Samin. I'm the CEO and the founder of Fortune Group, and we are based in Istanbul, Turkey. Today video is all about the property sales in the month of May. कि कितनी properties हैं जो कि मई के महीने में यहाँ पे foreigners और local को बेची गई हैं. So इस मई के महीने में total units जो sold out हुए हैं पूरे टर्की में वो 1,22,800 के आसपास हैं, जो कि देखा जाए पिछले साल इन्हीं दिनों में तो 107% ज़्यादा हैं, जो बिल्कुल 107% ज़्यादा हैं. और जो सेल्स फॉरेनर्स को हुई हैं वो है 5,962. और अगर इसी महीने 2021 में देखा जाए तो उसके कंपेयर 235% ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. और उसकी वजह जो है वो आपको भी मैं बताता हूँ. इस महीने रशिया जो है एक 1,275 जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने ख़रीदी हैं, ठीक है. दूसरे नंबर पे आपका ईरान आता है 736, देन आपका इराक आता है 617, देन बहुत बड़ा डिप है जो हमेशा आता है जर्मनी का, वो है 247, देन इस यूक्रेन 241, देन कजाकिस्तान 218, देन अफगानिस्तान 210, और जो अनयूजुअल आया वो अब चाइना है कि पिछले कुछ महीनों से वो 100 के अंडर प्रॉपर्टीज़ ले रहे थे, इस दफ़ा जो है वो 186 हैं. देन इट्स पैलेस्टाइन जो कि 155, फिर आ जाता है कुवैत और यमन 130 और 40. तो देखा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पिछले महीने में भी यही बताया था, और जो अभी CNN का इंटरव्यू हुआ था उसमें भी यही बात की थी कि इस दफ़ा जो है हमें रशिया और यूक्रेन की तरफ से बड़ी अनयूजुअल बाइंग नज़र आ रही है. और जितने भी रशियन बिलियनियर्स हैं या ओलिगार्क्स हैं वो यहाँ पर आके बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि ये यूरोप से, यूके से, यूएस से बेहतर जगह है. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न व्हाट वी थिंक कि आने वाला जो वक्त है वो टर्किश प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बड़ा सुनहरी हो सकता है. क्योंकि देखिए, जितनी भी बाइंग है आपने ख़ुद देखा, 1,22,000 यूनिट में से सिर्फ 6,000 जो हैं वो फॉरेनर्स के ऊपर हैं, जो फॉरेनर्स ने ख़रीदे हैं, बाकी तो सारे जो हैं वो लोकल्स ने, 5% भी नहीं बनता इसका. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड टर्की. और इस दफ़ा फिर वही एक बड़ी अनयूजुअल एक और चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान टॉप 12-13 में कहीं पर भी नहीं है, इंडिया कहीं पर भी नहीं है. तो आप लोग हैं जो लूज़ कर रहे हैं, हमारा काम है आपको बताना. आप लोगों का काम है अब स्टेप लेना, आना या ना आना, जिस तरह भी आपके ऊपर है. क्योंकि एक शिफ्ट आ रहा है ना, डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है सारा, एक जियोग्राफिकल शिफ्ट आ रहा है. पहले ईरान, इराक या सऊदी कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज़ ख़रीदा करते थे, अभी आपको रशियन तरफ से बहुत प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, जो अपना पैसा जो है पूरी दुनिया से यहाँ पर मूव कर रहे हैं, दुबई से तो खसूसन यहाँ पर मूव हो रहा है. तो आई बिलीव आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी मुफीद होगी, बड़ी फ़ायदेमंद होगी. और जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सवाल हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हमारी टीम से रابطہ करें. और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.